और इधर भाजपा के 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारा भी 243 का प्लान है। जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 200 सीट क्या 243 सीट पर तैयारी करे, हम भी 243 सीट पर तैयारी करते रहे। उन्होंने कहा कि जदयू में फिलहाल मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, अगर इस पार्टी के बाहर कोई भी कहीं से उम्मीदवार हो सकता है, जदयू में तो एक एक कार्यकर्ताओं का सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। जदयू मतलब नीतीश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पटना से बाहर एक कार्यक्रम में यह पूछा गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के समर्थक यह नारा लगा रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। ललन सिंह ने कहा कि वे लोग जदयू के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं। 15 करोड़ की आबादी है, इसमें से कोई भी कहीं से 10, 20, 50, 100 जुट सकता है। जदयू के कार्यकर्ता के कंठ से इस तरह का नारा नहीं निकल सकता है। ललन सिंह ने यह पूछा गया कि भाजपा यह कह रही कि विधानसभा की 200 सीटों पर वह अपनी तैयारी कर रही। इस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 200 सीट क्या, वह 243 सीट पर तैयारी करना चाहिए। हर दल को अधिकार है तैयारी का, 200 सीट पर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू भी 243 सीटों पर तैयारी करता रहा है। हमारा संगठन है, हम उसे मजबूत नहीं करेंगे क्या। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पटना में मुलाकात के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो हमारी मुलाकात रोज होती रहती है, वे अपने पार्टी के कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ पटना आए हैं, मुलाकात की क्या ज़रूरत है। तो चूँकि जिस तरह से बीजेपी पूरा दमखम दिखा रही है, क्योंकि बिहार में अभी कल जेपी नड्डा के जिस तरह से आवभगत किया गया, जिस तरह से स्वागत किया गया, उसको देखते हुए तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही आज अगर हम बात करें तो अमित शाह पटना में पहुंचे हैं और अमित शाह के आवभगत में जिस तरह की तैयारी की जा रही है, तो कयास ये लगाया जा रहा है कि ये जो तैयारी है ये 2024 की तैयारी है। क्योंकि जिस तरह से मास्टर प्लान बना कर के एक 2 दिवसीय सम्मेलन किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, ये बिहार में आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भर रहे हैं। जेपी नड्डा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आने वाले दिनों में सभी पार्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ रहेगा तो बीजेपी। आखिर ऐसा क्या प्लान हो रहा है। हालांकि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बात को लेकर के ललन सिंह ने तगड़ा जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या आगे की रणनीति बनती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9।